हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम समीर गोयल है मैंने इस साल यूपीएससी सीएससी 2023 में आ, ट्रिपल टू रैंक स्कोर करी है और आज मैं जी एस स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ अपनी जर्नी शेयर करने सो so, मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो भोपाल से भोपाल के कैंपियन स्कूल से उसको स्टार्ट किया था और स्कूल कम्प्लीट करने के बाद लाइक मेरा टेंथ में अगर मैं आपको बताऊं तो आई स्कोर अराउंड एटी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट और ट्वेल्थ में सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट परसेंट था उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी मैंने इंजीनियरिंग भोपाल की ही यू आई टी आर जी पी हुई जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है भोपाल का प्रतिष्ठित कॉलेज है वहाँ से मैंने अपनी बी ई कम्प्लीट करी मेरा जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और उसमें उसमें मुझे अराउंड एटी वन परसेंट स्कोर किया उसमें हाईलाइट ये था कि मेरे को चांसलर स्कॉलरशिप मिली मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स इन आ सेमेस्टर इन ईयर होता है क्लास में उसके लिए मुझे गवर्नर सर से स्कॉलरशिप uh, मिली मेरे को क्योंकि वो चांसलर होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के आर यूनिवर्सिटी थी मेरी और ये फिर बाद में जब मैंने अपना यू का डैप भरा तो उसको भी इस चीज़ को मैंशन किया तो ये मेरे वहाँ भी काम आया कि द स्कॉलरशिप दैट आई गॉट डूरिंग दिस पीरियड उसके बाद फिर मैंने पंद्रह में तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2015 में उसके बाद सिक्सटीन से लेकर सेवेंटीन तक मैंने आई बैंक में जॉब किया एक साल करीबन भोपाल में तकरीबन एक साल फिर दो से लेकर अभी तक मैं आर में कर रूँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है प्रजेंटली uh, मैं इस वक्त अभी आरबीआई में ऑफिसर एज अ ऑफिसर हूँ मैं एज अ मैनेजर हूँ मैं uh, मुंबई में, में मेरी पदास्थना है और uh, जब मैं RBI, जब मैं कॉलेज में था तब तब आई थिंक दो हजार तेरह या चौदह की बात है मैंने एक एनजीओ जी ओ में uh, काम करना चालू किया था जिसके जिसका जिसका मेंशन भी मैंने अपने डैफ पे किया है वो एनजीओ चाइल्ड शेल्टर होम्स को मैं पढ़ाता था बच्चों को मतलब बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता था और मैं समझता हूँ दिस वाज अ टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ सिविल सर्विसेज फर्स्ट केम टू माय माइंड मतलब जब आप कॉलेज में आते हो तो आपको चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो लाइक एक्सप्लोर्ड माई फादर्स जॉब ही इज़ वर्किंग इन अ पी तो मेरे को उसमें भी काम में इंटरेस्ट था मेरी मदर क्योंकि डॉक्टर है हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं तो मुझे उस काम में भी एक इंटरेस्ट था फिर मैं ख़ुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था तो मुझे वहाँ भी इंटरेस्ट था एन में पढ़ाता था तो एजुकेशन सेक्टर में भी इंटरेस्ट था तो अब ये सारे काम कौन कर सकता है मुझे सारे काम करने थे अब ये सारे काम तो सिर्फ मेरे हिसाब से कुछ ही पोस्ट कर सकते हैं और कुछ ही क्या आई ही कर सकता है बस तो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट आई सीरियसली Uh, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरे अंदर ये थॉट था कि यार मुझे यूपीएससी के पहले कोई कोई अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए मतलब मैं चाहता था कि इंडिपेंडेंट होना मेरे यहाँ कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे लेकिन इट्स इट वाज माय ओन विजडम दैट आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट सो आई स्टार्टड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स लाइक आर बी ऑल आई आई क्लियर आर और एक बार जब मैं टू में आर में सेटल हो गया देन आई स्टार्ट गिविंग माई ऑफ सिविल सर्विसज एंड ये मेरा पाँचवा अटैम्प्ट था और पाँचवें अटैम्प के बाद ये दूसरा इंटरव्यू था और तीसरा मीन्स था इसको मैंने क्वालिफाई किया और दो रैंक आई जर्नी मेरी लाइफ की मैं समझता हूँ लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड आप अप्स एंड डाउन आपको मिलते हैं आ, मेरे लिए अब इट हैज़ बीन अ वेरी सिंपल लाइफ फॉर मी लाइक आई वाज अ डिसेंट इनफ स्टूडेंट इन द इन माय अकेडमिक्स मैं टेंथ तक तो आप समझिए टॉप टेन में आई जाता था क्लास में टॉप टेन मैं टॉप फा, फाइव में भी आया हूँ but uh, 11th 12th was a down time in my career when i was not scoring well in my, in my subjects uh, so I was, do I was not doing very well in my studies still i managed above 75% in my 12th uh, but still I was, I was not very satisfied with my performance overall performance in the examinations and um, and uh, when, I, when i came to graduation i decided that i have to work very hard in my career because i have to compete with so many brilliant minds and that that's where I started being very serious about my studies, and uh, I scored consistently well in the college. I scored I was always in the top five and uh, sometimes uh, first also. Like in the fourth year, I scored the highest marks in the in the class, and I got this chances scholarship. scholarship. Uh, so they they were very good moments for me because I I not only I grew academically, but extra curricularly also I grew. I developed a hobby of playing badminton. I played the sport very well. I represented my college at the at the college fest at the college levels actually inter college level. Won laurels from my college also. At the same time, I I also started working for this NGO to do some social activity that I was involved into. I I, I developed my habit of reading books, different reading about different subjects and topics, and that actually all these things set up the stone for my uh, civil service preparation. Like people say that preparation for civil service should start from prelims. I always say it should start from reverse. It should start from interview. Because in interview, you have to put all the data what you do, what is your hobby, what is your uh, achievement. And that achievement you will not be able to acquire during your UPSC preparation. Uh, it's very difficult to develop a hobby during a UPSC preparation. It's difficult to get some academic scholarship because you are already out of your college or school. So you are not getting anything on that. Difficult to play sports a lot because you are already, uh, already uh, giving a lot of time to your preparation. So all these things should develop before your preparation starts for civil services. It's only you can carry them forward. It's very difficult to start these things. So uh, I always say it should start from reverse. And and that background, that base set was set up during my college days. And, and when I joined RBI, I took it forward so and when i joined rbi again the journey of started of giving attempts started that time in 2018 i gave my first attempt it was not a serious attempt so i was not expecting to clear also but i and i, I didn't clear also 2020 was my first attempt and uh, first serious attempt and i cleared in that attempt only my prelims so i was happy and satisfied but again, the do down point came when I was not able to prepare well for my mains, and, and again, I, I missed out on mains uh, that time. Uh, then, 2021 was the lowest point in my preparation, I would say. Not clearing the films that time was something I was uh, I was not expecting because my preparation was very good that time, much better than the previous two attempts. And I was scoring good at the mocks, but uh, somehow I missed it by, by a decent margin actually. Not, not a very low, but a decent margin. बट द हाई पॉइंट ऑल्सो के इन दैट टाइम आई नीवर फेल्ट डिसम बट बट इन माई लाइफरेंट आई आई शुड गिव अप द प्रिपरेशन फॉर मीट इट इज अ जर्नी तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तैराई छोड़ देनी चाहिए मैंने जोश से पूरे जोश से अगला अटेम्प्ट दिया दो हजार बाईस का जो अटेम्प्ट था उसमें फिल्म भी क्लियर किया मेन्स भी क्लियर किया बट uh, दुर्भाग्यपूर्ण इंटरव्यू में नहीं हो पाया दैट अगेन वॉज अ डाउन पॉइंट बिकॉज इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया so उसके अगले तीन दिन बाद ही फिल्म था एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो फिल्म था वो तो सबको देखने लायक ही था कि एक तो आपका हुआ नहीं सिलेक्शन फिर तीन दिन बाद ऐसा फिल्म का पेपर आ जाए बट क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करी थी जबकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्वेंटी टू में ही हो जाएगा तो मैं तो, तो लेकिन फिर भी मैं पोर्ट माई होल एफर्ट्स क्योंकि मुझे था कि यार अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा तो मुझे समझ में आ ही गया था कि वो अगले एक आध हफ़्ते के अंदर फिर फिल्म हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा तो आई आई डिपेयर एंड उसका उसका नतीजा रहा कि मेरा फिल्म भी क्लियर हुआ मेरा मीन्स भी क्लियर हुआ और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया मेरा सिलेक्शन हो गया अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया है जो हाई पॉइंट आ चुका है तब भी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मै नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे लगता है कि यार ये जर्नी ऐसी है कि मतलब आप इसमें सोच के रखा कि आई एस बनना है अब मेरी रैंक में मुझे आई एस तो नहीं मिलेगा आई पी एस या आई आर एस कुछ मिलेगा बट मुझे तो आई एस बनना था मैंने एग्जाम उसी के लिए सोचा था तो इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन फिर से मैं उसको तैयारी चालू करूँगा और आई होप आई डू वेल दिस टाइम ऑल्सो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट तो यही मेरी जर्नी रही है इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ लाइक अ स्टूडेंट रहती है इसमें कुछ हाई पॉइंट्स थे कुछ लो पॉइंट्स थे बट uh, एक एक चीज़ कंसिस्टेंट थी कि मैंने कभी हार नहीं मानी मैंने कभी भी ये, इस uh, इस यू पी एस सी प्रिपरेशन में समझ लीजिए आप चार साल मतलब आप समझ लीजिए तकरीबन मैं चौदह सौ या पंद्रह सौ दिन रहा हूँ पंद्रह सौ दिन में से तो आई थिंक ऐसे बीस दिन होंगे या दस दिन होंगे जब मैंने पढ़ाई नहीं करी होगी बाकी हर दिन मैंने पढ़ाई करी एक और बात ये कि मैंने कभी भी किसी दिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए लाइक like कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं मुझे कुछ सेकेंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए ख्याल आया होगा बट उससे ज्यादा नहीं आया मुझे कभी ये मुझे पाँच या दस मिनट से ज्यादा ख्याल भी नहीं आया कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए मतलब वो भी मैं बता रहा हूँ कि कभी एक आध दो बार कभी पासिंग आ गया होगा बट मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे तैयारी छोड़नी चाहिए इवन मेरा सिलेक्शन हो गया तब भी मुझे लगता है कि तैयारी करती रहनी चाहिए क्योंकि आई तो मैं अभी तक बना नहीं हूँ तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा उम्मीद मत हारिए Uh, कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपका नहीं होगा ये देखिए ये तो हार्ड फैक्ट है कि कुछ लोग जितने लोग उससे कई कर, ज़्यादा लोगों का नहीं होगा बट ये जर्नी है आप या तो इसमें क्ल, क्लियर कर लेंगे नहीं क्लियर करेंगे बट ये इट विल एंड ये एंडलेस ड्रामा नहीं बनेगा आपके लिए तो अगर आप उसको अच्छे से एफर्ट लगाएंगे अपने आप अप, अपना फुल एफर्ट देंगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं करी मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ रिग्रेट इस बात का नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रिग्रेट इस बात का होता है कि आपने तैयारी नहीं करी तो तैयारी पूरी करिए वही आपके हाथ में है और इफ़ गॉड ब्लेसेस यू एंड आपके सब चीज़ें ठीक रही तो मे बी अगले बार आप ऐसा कोई इंटरव्यू या कुछ दे रहे होंगे तो दैट इज ऑल अबाउट माई जर्नी थैंक यू